long have you been in Canada? 95. December 2021 last year. Is it a temporary job that you do or? No, ma'am. Just. कुछ भी नहीं है आस पास। डर नहीं लगता ब्रो? ध्यान से आना, ध्यान से आना नीचे सर करके। ब्रो बैग तो डे कितने? हाँ वो कहते लाइक दो बैग। हाँ ठीक है, अपना हो जाए। अपना तो दर्द ही नहीं करना। डॉक्यूमेंट संभाल के रखियो ब्रो, अपने मेन चीज़ थोड़ी इतने डॉक्यूमेंट है। सारा समान चक लियो ब्रो। सारा तो अपना भी नहीं करना नीचे। इधर जा सकते हैं ब्रो, दूसरी साइड तो ऊपर। मैं ठीक है, उधर गड्डी तरह निकल लेंगे। डन ब्रो भाई जी, रबे आपकी। चल छोड़ कुछ नहीं तो। चलो चलो देखो, डन ब्रो, सारे को ले ले। हाँ जी ब्रो, चेक कर लो। चलो चलो, इधर भी ओके है। कोई नहीं ब्रो, कोई नहीं। नहीं कोई नहीं, पक्का तो डर जो जो कोई चक्कर नहीं है। जो मर्जी बैग। लहराज पकड़। वो बैग ही भाई। एक पानी को नहीं लेना, पानी को लेना भाई। तो हु इज द वन? इज द गाय। सो वेयर डिड यू स्लीप लास्ट नाइट? डियर द ब्रिज। आई डोंट रिमेंबर। श्योर? Last from 4 days, not last night. From last 4 days. So show me last 3 days, yeah. Mm-hmm. You okay? Okay. So do you have any ID with you? Let me have college identity card. You have a college identity card? Identity. Okay, that's good. Okay, this is your stuff. This is just one bag, and this is his food. Yeah, the food. We have food. Okay, so okay. Okay. Yeah. Okay. Sure. Okay, come in. So I'm gonna do it. This is yours? Yeah. Okay. Come in. So that's all? You want to go in there? Yeah, that's it. That's all. Thank you very much. No worries. Okay, boss. हाँ जी भाई, कॉलेज जान दो लो यार। फकी कर सकते हैं ब्रो, कॉलेज की कर सकते हैं यार। इन्होंने कुछ के दे रहे हैं, इन्होंने काफी पाचो दे रहे हैं। सो कैन वी इंटरेक्ट $20 एंड कैन यू गिव हिम कैश? ही नीड्स टू गो टू कॉलेज टुमारो। कैन वी गाइस इंटरेक्ट यू $20 एंड यू कैन गिव हिम कैश बिकॉज़ वी डोंट हैव वॉलेट। ही नीड्स टू गो टू कॉलेज टुमारो, सो ही नीड कैश। सो कैन वी इंटरेक्ट यू गाइस एंड यू कैन गिव हिम कैश? नो। You want to give him something? Yeah, actually he needs to go to college tomorrow, so we hoping if you guys have any. Want to go where? College. His college. Which college? Which college? Conestoga. Conestoga. Kitchener. Yeah. Actually the thing is, my mobile is not working. His mobile is broken. So tomorrow from Kitchener you'll be coming back? Yes. Because if you go tomorrow, don't come back. We give our bed. You see guys? Oh yeah. Guys are just sleeping here. They are not beds.
No, he needs cash. Yeah. You can give me two. But I don't. If you're a client, we don't deal with money. Okay, I'll give you. I'll just help him to give him. Yeah. But I don't have cash. I have to look for ATM machine here. Yeah. Then I get it for you. Okay. Yeah, you can just give me in the morning. Okay, bro. Dhyan rakhiye koi nahi. Okay, bro. Koi nahi. Dhyan rakhiye, bro. Okay. सो भाई जो तुमने अभी स्टार्टिंग में देखा अब तुम्हें थोड़ी बहुत बताते हैं बात क्या हुई। तो भाई हम जा रहे थे ऐसी रोड पे जा रहे थे तो ना मतलब ऐसे एक तरह ने मेरे को दिखा कि भाई अपना पग में दिखा था पग लोला को अपना देसी बंदा होगा कोई लिफ्ट मांग रहा है तो मैंने को बोला मैं भाई अपना कोई देसी बंदा है चल रुक के ना लिफ्ट इसकी हेल्प कर दे। तो भाई आया कहता भाई एक फोन करना मैं क्या बात होगी कहीं छोड़ना कह रहा घर तो है नहीं भाई मैं क्या बात हो कह रहा एक मिनट मैं करे फोन करना है मेरे मैं कहा चल कर ले ब्रो। तो उसने भाई घर पे हमने फोन करा मम्मी को बताया कर, पर उसने घर पे नहीं बताया भाई ने इस चक्कर में हमने भाई उसका ना चेहरा बताया उसका नाम बताया कौन था कि उसने घर पे बताया उसका क्या क्या हालत सिस्टम चल रही है बता फिर इसने भाई इसने फोन दिया उसके घर पे भाई उसने बात की तो उसने घर पे बता नहीं रखा तो मैं मम्मी से तो कर ली थी उसने भाई ने बात फिर फादर से कर रहा था तो फादर थे नहीं घर पे हमें तो पहले लगा था कि ऐसे ही होगा मतलब हाँ। हम भी डर गए थे क्योंकि रात को दो तीन बजे ऐसे भाई इस टाइम दिखा ले फोन में अपना ये लोग भाई फोन पे भी टाइम देख लो टाइम दिखा दे इस टाइम क्या हो रहा है सुबह भाई 2:30 पे मिला था भाई हमें 2:30-2:33 पे बंदा मिला था इस टाइम का टाइम हो रहा है अभी 3:30 हो रहे हैं 3:30 हो रहे हैं मतलब एक घंटा हो गया मतलब उसको अभी हम छोड़ के आए हैं शेल्टर होम में उसको एक बेड मिल गया सोने को छोड़ गया और भाई हम पूछा फिर हमने मैं पूरी बात फिर बताते हैं आपको क्या हुआ फिर क्या मैं भाई तू यहाँ क्या कर रहा कहाँ सो रहा कर रहा भाई मैं ब्रैम्पटन रहता था सूरज बताता क्या बात उसके मैं ब्रैम्पटन रहता था इस महीने भाई मैंने ना जो GIC आई थी मेरे पे काम था नहीं उसे फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस बनवा लिया और कॉलेज जाने में लग गए उसका कॉलेज था कॉन्स्टो का किचनर पर वो भाई रह रहा था ब्रैम्पटन तो और हमें मिला है वो विक्टोरिया पार्क स्कारब्रो में जो है टोरंटो के पास ठीक है ये बात याद रखना तो पूरे मतलब देख लो 40-45 किलोमीटर ब्रैम्पटन से दूर तो भाई कहता बाकी कॉलेज में लगे तो इस महीने रेंट दे नहीं पाया उनको कहा कि मैं देता हूँ मेरे पैसे आने थे कोई उसके पैसे भी मार गया ठीक है उन्होंने क्या करा भाई इसको घर से निकाल दिया कह रहे हम पे नहीं रह सकता उन्होंने दूसरे लड़के बुला लिए वहां से फेसबुक मार्केटप्लेस से ढूंढ के दूसरे लड़के बुला लिए और इस भाई को कह दिया हम नहीं रह सकते उसको निकाल दिया तो भाई इसने क्या करा भाई ने अपना एक बैग साथ भाई ये देखो बंदा आता है इंडिया से तीन टैची होती है बंदे के पास क्या कहते हैं अपना बैग लगेज दो बड़े टैची देख लो हम भी जितने टैची लेके आते हैं तुम भी लेके आए थे उसके हाथ में बस एक थैला था भाई थैला जिसमें हम सो चादर थी उसके अंदर जिसमें खाना लेके आता उसमें सिर्फ एक चादर थी कह रहा भाई मैं घर से सिर्फ एक चादर लेके आया हूँ मेरा सामान पता नहीं कहाँ है मेरे को उन्होंने लड़कों ने रखा नहीं रखा फेंक दिया एक चादर सी लेके आ गया भाई तो भाई वो कह रहा मैं यहाँ आया था कंस्ट्रक्शन का काम ढूंढने में कंस्ट्रक्शन काम मिल जाएगा पर भाई 3 दिन हो गए मैं यहीं सो रहा हूँ उस देखा होगा ब्रिज के नीचे सो रहा भाई कि उसको कंस्ट्रक्शन वालों ने अभी तक बुलाया नहीं वहाँ भी कह रहा मैं अब कहाँ जाऊँ मेरे पैसे नहीं है ब्रैम्पटन जाने के तो उसको भी थोड़ी हमने हेल्प करी है कि वो कल सुबह कॉलेज देख लो भाई बंदा जैसा मर्जी हो जैसी मर्जी हालत में बंदे को टेंशन दी मैंने कल कॉलेज जाना है बंदे को हमने कह रहा मेरे को पैसे दे दो भाई बंदे ने शर्म नहीं करी सीधी बात क्यों करे भाई अगले को नीट थी उसने कहा भाई मुझे कुछ मदद नहीं चाहिए तुमसे कह रहा मुझे बस $30 दे दो मैं एक जुराबों का जोड़ा ले लूँ और $20 $17 लगेंगे मेरे कनाडा आने जाने में कॉलेज आने जाने भाई नींद आ रखी है और भाई उसको जाना भी यहाँ से 80 या 100 किलोमीटर हाँ इतना होगा किचनर बहुत दूर पड़ता भाई यहाँ से टोरंटो में आता काम करने के लिए टोरंटो में आता काम ब्रैम्पटन रहता था कि भाई शिफ्ट लग जाएगी थोड़े पैसे हो जाएंगे रहने जाने पर ये देखो यहाँ की किस्मत ऐसी हुई भाई को शिफ्ट ही नहीं मिली तुम वहां सो रहा है भाई मतलब ऐसे थू ऐसे साथ वालों के जिन्होंने पहली बार निकाल दिया जो मदद नहीं कर पाया चल तुम नहीं जानते पहले तुम्हारा कोई रूम मेट आया इंसानियत के नाते सही बात है भाई मतलब भाई कैसी दुनिया नहीं है कि मतलब तुम्हें 2 मिनट में निकाल देती है और मतलब भाई ये कोई पहला केस नहीं है ऐसे बहुत केस वो लोग मिले भाई किस्मत से देखो मैंने पाग देख ली मैं यार अपना देसी बंदा है तो मैं चल इसके छोड़ा है हम गाड़ी में जा रहे थे मैं आगे जाना होगा आगे थोड़ी ड्रॉप कर देंगे ज्यादा तक बस सिस्टम रात को 2-3 बजे बस नहीं मिली होगी भाई वो बंदा भाई हंस भी रहा था पर अंदर से भाई बहुत दुखी था भाई उसकी शक्ल से मेरे को रोना आ गया उसने बोला ना भाई यहाँ सोता था मैं कह रहा यहाँ रकून आते थे रकून को देख के मैं खुश होता रहता था कि मेरे पेट है मेरे पेट है उसके साथ बैठ जाते थे कह रहा मैं कह भाई गुरुद्वारे में चला जा कह रहा गुरुद्वारों में नहीं जा सकता वहाँ क्योंकि रहने के जाम नहीं है पर कह रहा मैं खाना पीने चल जाता हूँ वहाँ जाके नहा लेता हूँ 3-4 दिन से मैं वहीं जा रहा हूँ वहीं खा रहा पी रहा हूँ वहीं नहा रहा हूँ तो मैं भाई देख उसकी हिम्मत देख के बात हुई कि भाई बंदे में हिम्मत कितनी थी मैंने उसका भाई पूछा मैं वीडियो क्या क्या आएगा मैं कहा चल तू नहीं आ सकता मतलब दो होरों को वो हो जाएगा कि भाई पता लग असली कनेडा का जो लोग सोच के आते हैं ना कि भाई ये है कनेडा वो है भाई तुम यहाँ किसी भरोसा करोगे सबसे पहले लात वही मारेगा तुम्हारे ठीक है सही हो तो
तो भाई मतलब बहुत वो हुआ, पर फिर हमने क्या करा भाई, शुक्र के हमने ऑनलाइन चेक करा तो भाई एक शेल्टर था उन्होंने, यहाँ पे ना सिटी ऑफ टोरंटो का शेल्टर होते हैं, बाय चांस भाई खुदा ना करे, भगवान ना करे, भगवान ना करे किसी पे वो आए ऐसी नौबत किसी के साथ होता है, सिटी ऑफ टोरंटो पे नंबर पे फोन मारो भाई, मैं नंबर दे दूंगा जिस नंबर पे मैंने कॉल करी थी, नंबर पे कॉल मारो और भाई वो उन्हें तुम्हें शेल्टर दे देंगे तीन चार दिन के लिए, या जब तक तुम्हारा जुगाड़ नहीं होता, जब तक तुम रहना चाहो रह सकते हो भाई। हाँ बस उन्हें बता दो तुम्हारे साथ क्या क्या हालत हुई है, बस तुम्हारा आईडी प्रूफ मांगते हैं, उस भाई ने जब कॉलेज का कार्ड दिखा दिया, तुम कुछ भी दिखा सकते हो, तो मतलब भाई इतने इतने मतलब लोगों के बुरे हालात देख के भाई मतलब ये होता है खुद की, मतलब ये भगवान ने सही सलामत रखा हमें यहाँ पे, दो साल हो गए सबको बढ़िया साथ मिला हुआ है, मतलब पैसों की दिक्कत आती है साथ वाली मदद कर देते हैं कभी ना कभी, पर भाई औरों को देख के भी होता है कि मतलब कैसे कैसे इंसान है भाई, मतलब अगला मजबूरी में और तुम किसी की मदद नहीं कर रहे, अगले का भाई फोन टूट गया, भाई कह रहा मैं यहाँ सो रहा था, तुमने देखा ढलान थी ढलान, कह रहा मेरा फोन ढलान से नीचे गिर के टूट गया, अगले फोन अगले को पैसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कोई पैसे मंगवा नहीं सकता कहीं से क्योंकि सिक्योरिटी क्वेश्चन लगता है, अगर तुम किसी पैसे मंगाते हो ना इंटरेक्ट कराते हो तो सिक्योरिटी क्वेश्चन लगता है, उसका आंसर डालना होता है भाई, वो नहीं डला सकता उसका क्योंकि हम ऑटोमेटिक भी होता है एक क्वेश्चन वाला था, उसका क्वेश्चन वाला था, इस चक्कर में भाई वो पैसे नहीं मंगा पाया, मतलब भाई भाई मैं तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए देख के उसके हालात देख के, भाई चार दिन कोई कैसे सोच सकता है, मैं खुद बताया वो कैसे झाड़ियों से निकल के अंदर जाना, कह रहा सामने मिस्टर ल्यूबे वहाँ एक सरदार जी काम करता, उससे बातें मारता रहता हूँ मैं देसी अच्छा लगता रहता है, मतलब भाई वो इस बुरी हालत में भी इतना स्ट्रॉन्ग था वो देख के, मतलब भाई मेंटली जो प्रेशर था ना बंदे पे, मैं उसका पागल होता सीधी बात है भाई, क्या बंदे घर चला गया, बंदे के सारा सामान चले, बंदे कुछ नहीं है भाई, एक थैला है उसमें एक चद्दर है ठीक है भाई, एक एक शिफ्ट पीछे बंदे तरह से एक एक शिफ्ट के पीछे देख लो बंदे कैसे रोड पे आ गए, मतलब ये और कनाडा की सिस्टम ये हालत चल रही है भाई, मतलब लोग रोड पे आ गए भाई, मतलब ये दिन देखना बाकी था मेरा कसम से, भाई अपना बैकअप लेके आओ इसके भरोसे मत आओ कि भाई मैं वही भाई जो काम करेगा भाई यहाँ जी सकता भाई, यहाँ काम के बिना तुम्हारी इज्जत नहीं है सीधी बात है भाई, पैसा नहीं है तुम पे साथ वाले तुम्हारे ठुड्डा मार देंगे तो पता नहीं लगेगा, उससे कड़वी बात है सच्ची है, जितना तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो जो मर्जी हो जितने तुम्हारे पास पैसा मोगा तुम भाई इस बार रेंट नहीं दे सकता चल भाई घर से बाहर चल, ये भाई कनाडा की रियलिटी, तुम सोचते ना यहाँ सब बढ़िया है कुछ ये चीज नहीं दिखाता वो उसकी गलती है भाई, पर जो सच्चाई है तुम्हारे आगे मतलब रोंगटे खड़े हो गए भाई उस बंदे की हालत देख के यार, मैं कह रहा हूं तुम्हें रोड पे सो, तुम रोड पे सो सकते भाई, रात को इतने मच्छर होते हैं ना ब्रिज के नीचे, ठंड होगी अब तो रात में कनाडा में इतनी ठंड होती है, रात में ठंड हो तो कैसे बोर्ड लगा के सो रहा था भाई, उसकी हिम्मत ही थी भाई, सल्यूट है भाई उस बंदे को, सल्यूट है सही में भाई, भाई क्या बोले अब तुम्हें, बस ये वीडियो मेन मेरा बनाने का हमारा यही था, मैंने उसको भी कहा था भाई को, मैं भाई तेरी वीडियो बनाऊंगा डालूंगा कि लोगों को दिखाऊं मैं सच्चाई, ठीक है मैं दिखाना चाहता हूं भाई क्या क्या तुम्हारे साथ हो सकता है, ठीक है कैसे तुम मतलब शिफ्ट नहीं मिल रही भाई, लोग कैसे धक्के खा रहे हैं भाई काम के लिए, भाई कहने का मतलब ये अपना बैकअप लेके आया करो भाई, अपने भाई पहले माइंडसेट बना के आओ, सीधी बात है माइंडसेट की तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है किसी चीज के लिए कभी प्रिपेयर रहो, बैकअप पहले रखो भाई अपना, किसी पे डिपेंड मत रहो, ये मत सोचना बड़ी गाड़ियां ले लोगे आते आते भाई तुम्हारी सोच ये होगी पर रोड पे लाते देश तुम्हें टाइम नहीं लगाएगा, कितने अभी जो पीछे होमलेस था वो भी देसी था, हां वो भी देसी था, वो कैसे जिसने बोला ना नीचे, हाँ वो भी उसको तो भाई बेड भी नहीं मिला था, उसको तो बेड मिला बाहर ही सो रहा था वो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं अगर तुम लोग ज्यादा दिक्कत देते हो तो करते हो तुम्हें बाहर किक आउट करते हैं, ये होम शेल्टर में सिक्योरिटी लगा था, इसको पता है कितने लोग बाहर निकालते हैं, मैं भी कितनी बार करी है सिक्योरिटी भाई, भाई इंस्टा की स्टोरी और यहाँ की जो रियल बहुत फर्क है, हम भी स्टोरी में गाड़ी बुड़ी दिखाते हैं महंगी महंगी पर असली में कुछ नहीं, वो हमें पता कैसे स्टोरी में जाना कि भाई उसने गाड़ी ले ली उसने ये ले, पर भाई आज रोंगटे खड़े हो गए, आज मैंने पहली बार जिंदगी में ऐसी चीज देखी है कनाडा में भाई, मजाक नहीं जो तुम्हें मजाक से हटके बताऊं भाई, भगवान की खुशकिस्मत है भगवान ने इतना काबिल करा कि भाई लोगों की मदद कर दी, आज किसी की मदद कर दी तो है कम से कम छत है रहने को भाई, खाने को खाना मिल जाता है ठीक है, भगवान की वजह से गाड़ी भी आ गई, पर आज किसी की मदद करके भाई अच्छा लगा भाई, तुम भी किसी के ऐसे मदद कर सको कर देना भाई, किस्मत थी हमारी आज भगवान की हमने देख लिया भाई, मजाक भाई नहीं वो बंदा वही आता पता नहीं और भाई हाँ, नहीं वो बंदा वही सोता भी हाँ। मजाक नहीं है वो तुम्हारी किस्मत थी हमने देख लिया भाई, आज भाई की मदद कर दी, और ये देख लो चार दिन हो गए किसी ने मदद नहीं करी भाई, वो गुरुद्वारे जा रहा है रोज मांत, कितने देसी मिल रहे होंगे भाई, बंदे ऐसे हालत में सबको अपना दुख सुनाता है भाई कि मेरे साथ ये हुआ है, और भाई ये वाली वीडियो कोई लाइक व्यूज के लिए नहीं, व्यूज नहीं कर रहे ब्रो, बस एक रियलिटी दिखाने के लिए भाई, हाँ कभी सोच रहे हो लाइक व्यूज कर लो भाई, अगर लाइक व्यूज कर रहा हूँ तो भाई उसकी मदद भी करके आया हूँ ठीक है, करिए भाई वीडियो सच दिखाने के लिए करिए, अगर तुम सोच रहे हो लाइक व्यूज के करिए करिए भाई, ठीक है भाई बिल्कुल भी नहीं, नहीं भाई करिए, लोगों को अभी भी इसमें दिक्कत निकालेंगे, पर भाई जिस दिन तुम किसी की मदद करोगे ना तुम्हें पता होगा ये सिर्फ सच्चाई के लिए वीडियो है भाई, ये मैं इसलिए मैंने सोचा था, मैंने भाई को भी बोली थी बात कि भाई डालूंगा, उसने बोला भाई रहने दे मेरा चेहरा वगैरह, मैं कहता चेहरा वगैरह नहीं दिखाता भाई, पता बंदे की मजबूरी होती है, बंदे जब घर पे नहीं बताया वो क्यों, अपने दोस्त यहाँ दोस्तों को नहीं बताया, दोस्तों ने बताया क्योंकि कह रहा मेरे दोस्त अभी नहीं आए हैं, वो भी ऐसे हालात में है कि वो मेरी हेल्प नहीं कर सकते,
तो भाई नए जो आया ना इस टाइम जनवरी से लेके, सबकी बुरी हालत है भाई, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, खुद की मदद नहीं कर सकता इस टाइम। तो भाई चलो भाई अब दो दिन रहेगा, वो कह रहा मेरे 28 को GIC आ जाएगी $600, वो कितना रिमूव हो जाएगा फिर उसकी। जो कुछ और मदद हो भाई, हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, हम उसकी मदद कर देंगे भाई, ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है भाई। पर कल कॉलेज चले जाएगा, कल कॉलेज चल के क्या पता कोई सेटिंग शूटिंग हो जाए रहने की, तो बढ़िया। GIC आ जाएगी बंदे के जेब में, पैसा आ जाएगा बंदा भाई, मतलब यहाँ GIC ना हो तो बंदा बस भूखा ही मरेगा भाई। शुक्र है भगवान की कृपा से इन्होंने गौरव ने GIC वाला कर रखा सिस्टम भाई, बहुत बढ़िया सिस्टम है, लोगों को खाना मिल रहा है GIC के कारण। बाकी भाई ये थी हमारी वीडियो, भाई जितना हो सके शेयर कर सकते ना ये वीडियो, और ये नंबर जरूर शेयर कर देना हमारी वीडियो, शेयर करो ना करो नंबर जो किसी को नीड है। तुम भी किसी को देखो रस्ते में भाई, कोई डर नहीं है, जैसे हम रुके थे फोन मारो इस नंबर पे, कह दो भाई मेरे को बंदा मिला है, ये बहुत मजबूरी में है, इसको घर नहीं है, इस पे ये नहीं है वो नहीं है, वो थोड़ी सी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, चलो घर नहीं है कुछ नहीं है, और तुम्हें भाई बता देंगे कि यहाँ चले जाओ, ये तुम्हारा क्लाइंट नंबर है, क्लाइंट नंबर दोगे वो तुम्हें उसके अंदर रख लेंगे, बेड दे देंगे, बेड वगैरह तुम्हें दे देंगे, शेल्टर दे देंगे, और शेल्टर ही चाहिए होते बंदे की भगवान कृपा से। कनाडा में, कनाडा में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं कि तुम लोग मतलब फूड बैंक से, अगर तुम पे खाने के लिए पैसे नहीं है तो फूड बैंक से ले सकते हो खाना भाई, मजबूरी है बंदे की। बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा साहिब में तुम जा सकते हो भाई, सॉरी भाई प्यास लग रही है भाई, 2 घंटे हो गए हम फिरते फिरते, ले 2 घंटे हो गए भाई फिरते फिरते, हम ब्रैम्पटन जा रहे थे घूमते फिरते, और 2 घंटे से हम बस ऐसे ही घूम ही जा रहे हैं, नींद आ रही हो मेरे, 2 घंटे में काम है। तो भाई वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बस ये था जो सच्चाई बतानी थी भाई, और हम गए थे अपने, और भाई हम गए थे अपने दोस्तों से मिलने के लिए, आज सैटरडे संडे या कुछ भी है, रात को ऐसे ही वीकेंड पे बाहर गए थे अपने दोस्त के पास भाई, किस्मत थी आज, मतलब भगवान ने दिखाया था, मजाक नहीं कर रहा मैं, सच बताऊं मैंने आगे गाड़ी निकाल दी थी, और वैसे कभी नहीं जाते हम, हाँ उस साइड उस रोड से आए भी नहीं हम, आज तक नहीं आए भाई उस रोड से, आज पहली बार जिंदगी में उस रोड से आए हैं, पता नहीं क्यों भाई भगवान ने लिखा था। और ऐसे मान लो मेरी गाड़ी ना भाई ऐसे यहाँ खड़ा, जैसे मैं खड़ा हूँ भाई यहाँ से यूं गया, मतलब सॉरी भाई यहाँ खड़ा मेरी गाड़ी यूं गई, मैंने कहा यार कोई देसी है, मैंने पग देख लिया, मैं कहा सरदार जी है कोई, मैं पीछे आया मैं देखा, मैं कहा हाँ जी भाई की चाहिए, कहते भाई फोन करना बहुत जरूरी, मैं अपने घर पे, फिर यूं यूं बात हुई सारी, फिर बताया भाई ने, भाई रोने वाला होगा, मैंने कहा भाई तुम्हें घर छोड़ दूं, करा भाई घर ही नहीं है मेरा, थे भाई इतना मतलब दिल को वो लगा ना झटका कि भाई मतलब कैसे। चलो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, प्लीज़ शेयर कर देना जिसको नीड में चाहिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट के लिए, इस वीडियो के लिए मैं बोलूँगा नहीं, और हाँ ये वीडियो मोनेटाइज ज़रूर करूँगा, पर जितने पैसे होंगे भाई को हेल्प करने के लिए, अगर जिससे बनेंगे भाई को हेल्प करने के लिए मैं दे दूँगा, ठीक है भाई, थैंक यू गाइस।